वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शारदा बाल निकेतन अलाय क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम यूनिट 4 का आगे का अनुवाद करेंगे। एक अंतरे का हम अनुवाद किया, आज के वाला अंतरे का अनुवाद करेंगे। मंजीत से शुरू कर रहे हैं। मंजीत, सर राजू इज ब्लेमिंग मी। श्रीमान, राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है। ही सेज दैट, वे कहता है। आई हैव थ्रोन दीज प्लेसेज और पेपर हेयर, कि मैंने कागज़ के इन टुकड़ों को यहाँ फेंका है। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर आल्सो, इट्स नॉट माई जॉब। वह मुझे फर्श भी साफ करने के लिए कह रहा है, ये मेरा कार्य नहीं है। फिर अध्यापक बोलता है, टीचर बॉयज लड़कों एट फर्स्ट बी क्यूट एंड लास्ट टेन टू मी पेटेंटली। सबसे पहले शांत हो जाइए तथा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिए। तो फिर बात आगे कहता है, टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी वो क्लीन्स इट। तो कहता है, मुझे बताओ, अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है तो इस कौन साफ करता है। तो सभी क्या बोलते हैं, आल वी डू इट आवर सेल वे सर, हम स्वयं साफ करते हैं श्रीमान। ठीक है, आगे अध्यापक टीचर्स बोलता है, इफ़ योर रूम इज डर्टी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन, डोंट यू क्लीन योर रूम। अगर आपका कमरा गंदा है तो क्या ये केवल आपकी माँ का ही दायित्व है कि वह इसे साफ करें, क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं करते हो। राजू बोलता है, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। हाँ श्रीमान, मैं स्वयं अपने कमरे को साफ करता हूँ। फिर टीचर बोलता है, गुड राजू, अच्छी बात है राजू। फिर नेहा बोलती हैं, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, आई फिच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वाल, आई हेल्प हेयर इन द किचन आल्सो। श्रीमान, मैं अपने कमरे को झाड़ू भी लगाती हूँ। मैं एक कुएं से अपनी माँ के साथ पानी लाती हूँ और मैं रसोई में भी उसकी सहायता करती हूँ। फिर बिट्टू बोलता है, सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। वो कहता है, श्रीमान मैं हमारी दुकान में पिताजी की सहायता करता हूँ। मैं भी हमारी दुकान में क्या करता हूँ, पिताजी की सहायता करता हूँ। फिर अध्यापक जी बोलते हैं, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्वेज एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की भी सहायता करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब्स और नॉट, वहाँ हम या नहीं सोचते हैं कि घरेलू गतिविधियाँ हमारा कार्य है या नहीं। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार से हमारा स्कूल भी हमारा घर जैसा है। आवर स्कूल इज आल्सो लाइक आवर होम, मतलब हमारा जो विद्यालय है वो कैसा है, घर जैसा ही मानना चाहिए। वी लाइव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, हम यहाँ साथ साथ रहते हैं तथा एक मंत्रीपूर्ण वातावरण में अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस आल्सो, क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ वी मेक इट डर्टी, अगर हम इसे गंदा करते हैं, वो क्लीन इट, इसे साफ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्वेज, मैं सोचता हूँ इसे हम स्वयं को साफ करना चाहिए। फिर कहता है, मंजीत बोलता है, यस सर आई गॉट इट, हाँ श्रीमान मैंने इसे समझ लिया। ठीक है, वी आल
मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हम सभी हमारे कक्षा कक्ष तथा स्कूल को क्या करेंगे, साफ करेंगे। सभी द स्कूल इज आवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली माई फ्रेंड, वी वॉन्ट लव ए बिट। स्कूल हमारा है, हम इसे सावधानीपूर्वक साफ करेंगे, हम एक भी टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार हमने आज आगे का अंतरे का अनुवाद किया। इसी प्रकार आगे और वीडियो बनाएंगे तो पाठ का अनुवाद और करेंगे। धन्यवाद।